साथियों, हमारे गुरुओं का योगदान केवल समाज और आध्यात्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा राष्ट्र, राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र की आस्था और अखंडता अगर आज सुरक्षित है तो उसके मूल में भी सिख गुरुओं की महान तपस्या है। गुरु नानक देव जी के समय से ही आप देखिए, जब विदेशी आक्रांता तलवार के दम पर भारत की सत्ता और संपदा को हथियाने में लगे थे, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, पाप की जंज लई काबल हो धाया, जोरी मंगे दानुवे लालो, यानी पाप और जुल्म की तलवार लेकर बाबर काबुल से आया है और जोर जुल्म से भारत की हुकूमत का कन्यादान मांग रहा है। ये गुरु नानक देव जी की स्पष्टता थी, ये गुरु नानक देव जी की दृष्टि थी। उन्होंने ये भी कहा था, खुरासान खसमाना कि यहां हिंदुस्तान डराया, यानी खुरासान पर कब्जा करने के बाद बाबर हिंदुस्तान को डरा रहा है। इसी में आगे वो ये भी बोले, ऐती मार पई कर लाने तय की दर्दू न आया, अर्थात उस समय इतना अत्याचार हो रहा था, लोगों में चीख पुकार मची थी, इसलिए गुरु नानक देव जी के बाद आए हमारे सिख गुरुओं ने देश और धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगाने भी संकोच नहीं किया। इस समय देश गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मना रहा है। उनका पूरा जीवन ही राष्ट्रप्रथम के संकल्प का उदाहरण है। जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी मानवता के प्रति अपने विचारों के लिए सदैव अड़िग रहे, वो हमें भारत की आत्मा के दर्शन कराता है। जिस तरह देश ने उन्हें हिंद की चादर की पदवी दी, वो हमें सिख परंपरा के प्रति हर एक भारतवासी के जुड़ाव को दिखाता है। औरंगजेब के खिलाफ गुरु तेग बहादुर का पराक्रम और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि आतंक और मजहबी कट्टरता से देश कैसे लड़ता है। इसी तरह दसम गुरु, गुरु गोविंद सिंह साहब, उनका जीवन भी पग पग पर तप और बलिदान का एक जीता जागता उदाहरण है। राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के मूल विचारों के लिए दसम गुरु ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके दो साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को आतताइयों ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने देश की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया। चारों साहबजादों के बलिदान की याद में हम आज भी शहीदी सप्ताह मनाते हैं और वो इस समय चल भी रहा है। साथियों, दसम गुरु के बाद भी त्याग और बलिदान का ये सिलसिला रुका नहीं। वीर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने समय की
सबसे शक्तिशाली हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। सिख मिसलों ने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए हजारों की संख्या में बलिदान दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब से बनारस तक जिस तरह देश के सामर्थ्य और विरासत को जीवित किया, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंग्रेजों के शासन में भी हमारे सिख भाइयों बहनों ने जिस वीरता के साथ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हमारे आजादी का संग्राम, जलियांवाला बाग की वो धरती आज भी उन बलिदानों की साक्षी है। ये ऐसी परंपरा है जिसमें सदियों पहले हमारे गुरुओं ने प्राण फूके थे और वो आज भी उतनी ही जागृत है, उतनी ही चेतन है।